लालची चुड़ैल। सकलपुर गांव में एक भयानक चुड़ैल का साया था। वो रोज गांव में आती और किसी ना किसी को उठाकर अपने साथ ले जाती। गांव के बाहर एक घना जंगल था जहां वो रहती थी। अपने शिकार को भी वो वहीं जाकर खाती थी। गांव वाले बहुत परेशान थे। वो किसी भी तरह उससे पीछा छुड़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक सभा बुलाई। कल वो मेरी बकरी उठाकर ले गई और परसों वो मेरी दादी को उठाकर ले गई। हमें कुछ करना चाहिए, नहीं तो कोई नहीं बचेगा गांव में। गांव वालों ने एक उपाय निकाला और सोचा कि आज रात वो चुड़ैल के सामने प्रस्ताव रखेंगे कि वो रोज रोज गांव में ना आया करे। हम हर रोज एक जानवर जंगल तक पहुंचा दिया करेंगे। अरे वाह, आज तो गांव वाले मेरे स्वागत में खड़े हैं। चुड़ैल जी, हम आपके सामने प्रस्ताव लेकर आए हैं। कृपया शांत हो जाइए और हमारी बात ध्यान से सुनिए। प्रस्ताव? कैसा प्रस्ताव? जल्दी बताओ, मुझे बहुत भूख लगी है। ऐसा ना हो यहाँ कोई जिंदा ना बचे और तुम सबको खा जाऊं। गांव वालों ने सारी बात चुड़ैल से कही। ठीक है, कल से मेरे पास तक रोज एक जीव जिंदा पहुंच जाना चाहिए। याद रखना, ज्यादा होशियारी की तो पूरे गांव को तहस नहस कर दूंगी। चुड़ैल के जाने के बाद गांव का एक बुजुर्ग पास खड़े जुगनू को कहता है। बेटा जुगनू, कल चुड़ैल का भोजन तुम लेकर जाना, आज हम शरद को भेज देते हैं। जुगनू गर्दन हिलाकर हामी तो भर देता है, लेकिन वो इस उपाय से खुश नहीं था। वो तो पूरे गांव को इस मुसीबत से निकालना चाहता था। पूरी रात और पूरा दिन जुगनू ने बहुत सोचा और फिर खाली हाथ चल पड़ा जंगल की तरफ। उसे देख गांव के लोग हैरान थे। जब जुगनू चुड़ैल के पास पहुंचा, तब उसने कहा, चलिए चुड़ैल जी, मैं आपके भोजन को पकड़ कर ले आया हूँ। कहाँ है भोजन? कहाँ है? कहाँ है? दिखाओ कहाँ है? वो एक बहुत बड़ा जानवर है जिसे यहाँ लाना मुश्किल था, इसीलिए मैंने उसे नदी किनारे बांध दिया है। आप चलिए। नदी किनारे जुगनू ने जानवर नहीं बल्कि एक चुड़ैलों को पकड़कर कैद करने वाले जादूगर को बुला रखा था, जिसने चुड़ैल के वहां पहुंचते ही उसे अपनी बोतल में कैद कर लिया। और गांव के सभी लोग जुगनू को धन्यवाद कहने लगे और उसे गांव का मुखिया भी बना दिया। खाना चुराने वाली चुड़ैल। भोरगढ़ के लोग पिछले एक साल से एक अजीब सी समस्या से जूझ रहे थे। कोई उनका खाना चुरा रहा था। गांव वालों को मालूम नहीं था कि असल में वो एक चुड़ैल थी जो उनका खाना उठाकर ले जाती थी। पुलिस को जब इन चोरियों की खबर हुई तो उन्होंने इंस्पेक्टर जीत सिंह को उस गांव में भेजा। आप सब लोग एक एक करके बताइए कि ये सब कैसे और कब शुरू हुआ। अरे साहब, होना क्या है, मैं एक दिन जब दोपहर को खाना खाने घर आया तो देखा कि रसोई से खाना हवा में उड़ता हुआ गायब हो रहा है। क्या आप में से किसी ने खाना उठाने वाले को नहीं देखा? अरे सब देखा होता तो आपको क्यों बुलाते। जीत सिंह ये सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने गांव वालों से वादा किया कि वो जल्द ही खाना चोर को ढूंढ लेगा। अगले दिन जीत सिंह गांव के बाहरी चबूतरे पर खाना खाने बैठा, तभी अचानक उसका डब्बा हवा में उड़ने लगा। जीत सिंह ये देखकर हैरान और परेशान हो गया। अरे, ये खाने का डिब्बा अपने आप हवा में कैसे उड़ सकता है? और जीत सिंह ने डिब्बे की तरफ देखकर कहा, कौन हो तुम? डिब्बा नीचे फेंक दो वरना मैं गोली मार दूंगा। जीत सिंह के ऐसा कहते ही खाने का डब्बा पहाड़ी की तरफ उड़ चला। जीत सिंह भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। जीत सिंह पहाड़ी के पीछे पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक छोटा सा पानी का तालाब है और उसी तालाब के किनारे सभी गांव वालों के खाली बर्तन, थालियां, कड़ाही, पतीले आदि पड़े थे। कौन है यहाँ? बाहर निकलो। तभी पानी में से एक चुड़ैल हंसते हुए बाहर निकलती है। कौन हो तुम? इस तरह गांव वालों का खाना क्यों चुरा रही हो? मैं गांव वालों से बदला लेने के लिए कर रही हूँ। गांव वालों ने मुझे जीते जी खाने को कुछ नहीं दिया। मैं सबसे मांगती रही, मुझे एक रोटी तक किसी गांव वाले ने नहीं दी। और जब मैं भूखी प्यासी इस तालाब से पानी पीने लगी तो कमजोरी के कारण यहीं गिरकर डूबकर मर गई।
और मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली और मैं चुड़ैल बनकर आ गई इन गांव वालों से बदला लेने। जीत सिंह सरपंच और कुछ गांव वालों को लेकर वहां जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। सभी गांव वाले तालाब वाली चुड़ैल से माफी मांगते हैं। तुम सबको एक वादा करना होगा कि इस गांव में कभी कोई भूखा नहीं रहेगा। हमें माफ कर दो, अब हम वादा करते हैं कि गांव में कभी किसी को भूखा नहीं रहने देंगे। ये सुनकर चुड़ैल वहां से चली जाती है और गांव वालों को खाना चुराने वाली चुड़ैल से छुटकारा मिल जाता है। शांति नगर के एक गांव में एक चुड़ैल ने सबका जीना हराम कर रखा था। वो हर दो दिन के बाद गांव में आती और घर के बाहर दरवाजे पर खड़ी होकर आवाज लगाती, क्या मैं अंदर आ जाऊं? जो लोग डर जाते और बड़बड़ाने लगते या पूछते कौन है दरवाजे पर, ऐसा पूछने वालों को वो अपने साथ लेकर चली जाती। उसी गांव में आशा अपने सास ससुर और ननद के साथ रहती थी। आशा की सास और ननद घर का सारा काम उससे करवाते और खुद आराम करते। अरे ओ आशा, कहाँ मर गई? सारा दिन कपड़े ही धोती रहेगी या खाना भी पकाएगी? बस माँ जी अभी आई। माँ पता है कल ज्योति के चाचा ने दरवाजा खोल दिया तो चुड़ैल उन्हें भी अपने साथ ले गई। क्या कहा? चुड़ैल? हे भगवान, देख बेटी तू अपना ख्याल रखना और गलती से भी दरवाजा मत खोलना। अगर कभी चुड़ैल हमारे घर आई भी तो ये आशा जाएगी उसके साथ, क्योंकि यही तो दरवाजा खोलती है। जा अब तू फटाफट दरवाजे पर लिख कर आ जा कि हम घर पर नहीं है, चुड़ैल तुम कल आना। आशा की ननद आशा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उसने जानबूझकर दरवाजे पे लिख दिया, चुड़ैल आज आ जाना, और चुपचाप आकर खाना खाने लगी। खाने के बाद सब सो जाते हैं, चुड़ैल नहीं आती। आशा की ननद सुमन सोचती है, मैंने तो चुड़ैल को आने के लिए कहा था, दिन चढ़ने वाला है, चुड़ैल तो आई ही नहीं, जाकर देखती हूँ। सुमन जैसे ही दरवाजा खोलती है सामने चुड़ैल को पाती है। चुड़ैल उसे अपने दांतों में दबोच लेती है। सुमन चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ भाभी बचाओ। आशा दौड़ती हुई आती है। आशा की सास और बेटा भी जाग जाते हैं। आशा बिना डरे चुड़ैल को दबोच लेती है। छोड़ो छोड़ो सुमन को छोड़ो। आशा बहुत समझदार थी, वो जानती थी कि केवल अंधेरा होने तक ही चुड़ैल किसी को अपने बस में रख सकती है और सूरज की पहली किरण पड़ते ही उसकी शक्तियां कमजोर पड़ जाती हैं। इसलिए उसने चुड़ैल को दबोच कर रखा और कुछ ही देर में दिन निकल आया। तब चुड़ैल चिल्लाने लगी और सुमन को छोड़कर वहां से भाग गई। ये क्या था, तुम ठीक तो हो? मुझे माफ कर दो भाभी, मैं इन सब की जिम्मेदार हूँ, मैं आपको गलत समझती थी, मुझे माफ कर दो। सुमन सारी बात घर वालों को बताती है। सभी आशा को खूब प्यार और सम्मान देते हैं और हर रात दरवाजे पर लिख कर सो जाते हैं, चुड़ैल आज हम घर पर नहीं, कल आना। चार सिर वाली चुड़ैल का कहर पूरे गांव में था। एक दिन चुड़ैल अपनी बाकी दो बहनों के साथ शिकार पर निकली, लेकिन अचानक चुड़ैल की बहन उड़ते उड़ते बेहोश हो गई और जमीन पर आ गिरी। अरे ये क्या हुआ, मेरी बहन को अचानक बेहोश कैसे हो गई? लगता है ये कमजोर होती जा रही है, इसे अब ज्यादा गोश्त देना होगा। वो तो ठीक है लेकिन अभी क्या करें? चुड़ैल बहनें काफी कोशिश करती हैं, लेकिन उनकी बहन नहीं उठती और अचानक सामने से आते हुए डॉक्टर को देख एक चुड़ैल चिल्लाकर कहती है, अरे वो देखो डॉक्टर बाबू आ रहे हैं, इस पूरे गांव का इलाज यही करते हैं। जब भी कोई बीमार खांसी बुखार हो जाता है या फिर कोई बड़ी बीमारी में फंस जाता है। अच्छा तो ये डॉक्टर है, इसे पकड़ कर ले आती हूँ। चुड़ैल डॉक्टर को पकड़ कर अपनी बहन के पास ले आती है। डॉक्टर मदद की बहुत गुहार लगाता है। छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? अरे छोड़ो मुझे, चुड़ैल चुड़ैल कोई है, मुझे बचाओ। जल्दी से मेरी बहन का इलाज करो, इसे पहले जैसा ठीक कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। डॉक्टर चुड़ैल का इलाज करता है। कुछ ही देर में बेहोश चुड़ैल को होश आ जाता है और वो खड़ी हो जाती है। डॉक्टर जान बचाकर भागने लगता है। ऐसे कैसे जाने दूं? तुमने अभी तो कहा ना इसका पेट बिल्कुल खाली है, तो चलो
आज हम तुम्हें खाकर ही अपनी भूख मिटाते हैं। छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो मुझे, चुड़ैल चुड़ैल कोई है, मुझे बचाओ। डॉक्टर जान बचाकर भागने लगता है और चुड़ैलें उसका पीछा करने लगती हैं। भागते भागते अचानक डॉक्टर की नजर गांव के मंदिर पर पड़ती है और वो मंदिर में घुस जाता है। बाहर आजा डॉक्टर, कब तक रहेगा मंदिर में? अब भी तू बाहर आएगा तो हमारा भोजन जरूर बनेगा, याद रखना, तुझे छोड़ने वाले नहीं। डॉक्टर डर जाता है। मंदिर का पुजारी चुड़ैलों की आवाज सुनकर डॉक्टर की मदद के लिए आता है। तब तक डॉक्टर पुजारी को सारी घटना बताता है। लगता है अब ये नहीं सुनेंगी, इन चुड़ैलों को भगाना बहुत जरूरी है। पुजारी मंदिर में होते हवन की राख को चुड़ैलों पर फेंक देता है। चुड़ैलें भस्म हो जाती हैं और पूरे गांव को उन चुड़ैलों से मुक्ति मिल जाती है। डॉक्टर पुजारी का धन्यवाद करता है और खुशी खुशी अपने घर चला जाता है।